हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 4H। डियर स्टूडेंट, यस्टरडे वी हैड कंप्लीटेड अंटिल क्वेश्चन नंबर 6। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 18 स्कूल इन अ सिटी। सिटी मीन्स होता है शहर। एक शहर में 18 स्कूल हैं। ईच मीन्स मैंने कल भी बताया था क्या होता है, प्रत्येक, हरेक, एक। ओके, स्कूल हैज 875 स्टूडेंट्स, मीन्स प्रत्येक स्कूल में 875 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सिटी। तो बताओ शहर में कितने स्टूडेंट हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, इजी सा, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, मैं खांबी गांव की ही बात करती हूँ। खांबी गांव में टोटल 3 स्कूल हैं, ठीक है। मैं आपसे बोलती हूँ एक स्कूल में 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और खांबी गांव में कितने स्टूडेंट हैं, 3। तो बताइए 3 स्कूल में कितने स्टूडेंट होंगे। भाई वन में जब 200 स्टूडेंट्स हैं तो 3 स्कूल में ज्यादा होंगे या कम। ज्यादा, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास, हमारे खामी गांव में टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 600 स्टूडेंट्स हैं। ओके, ऐसे ही इसने कहा है कि एक शहर है उसमें 18 स्कूल हैं और एक स्कूल में 875 स्टूडेंट्स हैं। तो बताइए शहर में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही इसकी हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईच स्कूल हैज, प्रत्येक स्कूल में, मींस एक स्कूल में 875 स्टूडेंट्स हैं। तो 18 स्कूल में होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 875 बाय 18, सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय 1, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 में 4 ऐड करेंगे, 60, 60 का क्या आएगा, 0 कैरी 6, फिर 8 को 8 से करेंगे, 8 8 जा 64, 64 और प्लस में 6 कितना हो गया, 70, 70 राइट कर देंगे। अब नीचे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे क्योंकि सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम वंस नंबर के नीचे एक क्रॉस का साइन लगाते हैं, तो 15 जा 5, 17 जा 7 एंड 18 जा 8, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 7 7, 8 प्लस 7 15, 15,750 स्टूडेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, किसमें, 18 स्कूल, मतलब कि एक शहर में 15,750 स्टूडेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, सोनाली सॉल्व्स। सोनाली सॉल्व्स 19 प्रॉब्लम्स ऑन अ पेज ऑफ अ नोटबुक, मींस सोनाली सॉल्व करती है नोटबुक के एक पेज पर 19 प्रॉब्लम सॉल्व करती है, मींस एक ही पेज पर 19 क्वेश्चन करती है, ठीक है। इफ देयर आर 96 पेजेस, इफ देयर आर 96 पेजेस इन द नोटबुक, अगर उसमें, उस नोटबुक में 96 पेज हैं, हाउ मैनी प्रॉब्लम सॉल्व बाय हर, तो बताइए वह कितनी प्रॉब्लम उसने सॉल्व्ड की हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, मैं दोबारा से बताती हूं। भाई एक पेज में, मान लो एक पेज में, ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है। अब मेरे पास 4 पेज हैं, ठीक है, 4 पेज हैं, तो बताइए मैंने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होंगी। 1 पेज में मैंने करी 2 प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, तो बताइए 4 पेज में मैं कितनी करूंगी। 1 में जब मैंने 2 करी है तो 4 में ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मीन्स मैंने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, 8, ठीक है। ऐसे ही इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि एक लड़की है, वो एक पेज पर 19 प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो उसके पास कितने पेज हैं, 96 पेज हैं, तो बताइए वो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। हम क्या लिखेंगे, सोनाली सॉल्व्स ऑन ए 1 पेज,
सोनाली एक पेज पर सॉल्व करती है कितनी 19 प्रॉब्लम्स, सी सॉल्व्स ऑन 96 पेज, और वह 96 पर पेजेस पर सॉल्व करेगी ज्यादा। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डियर स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई इसको खुद करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, इन आ स्कूल लाइब्रेरी, एक स्कूल की लाइब्रेरी में देयर आर 52 अलमीरा, मतलब एक स्कूल की लाइब्रेरी में 52 अलमीराज हैं, ईच अलमीरा, प्रत्येक अलमीरा हैज 246 बुक्स, प्रत्येक अलमीरा में 246 बुक्स हैं, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, तो बताइए लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, अभी जो मैंने पहले करवाया था उसी के जैसा है। ठीक है भाई, इसने कहा है कि एक अलमीरा में 246 बुक हैं और उसके पास कितनी अलमीरा है, 52 अलमीरा, तो बताइए उसमें कितने बुक्स होंगी। भाई जब एक में 246 हैं तो 52 में ज्यादा होंगे कम, ज्यादा। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, हम क्या है स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी, ईच अलमीरा हैज 246 बुक्स, फिर क्या लिखेंगे, 52 अलमीरा हैज, कितनी होंगी ज्यादा, और ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 से करेंगे 1 बाय 1, 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4, नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे, 5 6 जा 30, 0 कैरी 3, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23 का 3 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, ऐड करेंगे 2 9, 4 प्लस 3 7 2 1, कितना है 12,792 क्या है, बुक्स हैं। ओके मींस 52 अलमीरा में कितनी बुक्स आ गई हमारी, 12,792 बुक्स। ओके लाइब्रेरी में आगे क्वेश्चन क्या है, ए डिक्शनरी कॉस्ट रुपीज 175, एक डिक्शनरी, डिक्शनरी सभी जानते हैं जिसमें हमारे इंग्लिश में हिंदी के वर्ड दिए होते हैं, इसका मीनिंग दिया होता है। ठीक है, ए डिक्शनरी कॉस्ट, एक डिक्शनरी की कॉस्ट है 175 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 62 डिक्शनरीज, तो बताइए 62 डिक्शनरी की कीमत कितनी होगी। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, भाई एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए है, ठीक है, तो बताइए 3 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। भाई जब 1 की 5 रुपीज है तो 3 की ज्यादा होगी या कम, ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, कितनी हो गई 15 रुपीज। ऐसे ही इसने क्वेश्चन पूछा है, एक डिक्शनरी की कीमत 175 है, तो बताइए 62 की कितनी होगी। भाई 62 की ज्यादा होगी और ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ए डिक्शनरी कॉस्ट इज 175 रुपीज, 62 डिक्शनरीज कॉस्ट इज दिस। ओके मींस ज्यादा 175 मल्टीप्लाई 62। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप खुद करोगे। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, ए कुकर कॉस्ट। अब पहले क्या दिया था उस क्वेश्चन में, डिक्शनरी दी थी, अब इसने कुकर का दे दिया, ए कुकर की कॉस्ट रुपीज 635 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 54 कुकर्स, तो बताइए 54 कुकर्स की क्या होगी। बहुत इजी है, पहले की जैसा इसे भी आप खुद कर लोगे। स्टेटमेंट बता देती हूँ मैं एक बार, एक कुकर कॉस्ट के लिखेंगे 635 रुपीज, फिर 54 कुकर्स की कॉस्ट निकालेंगे, ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसे भी आप मल्टीप्लाई खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी की तरह है, यहाँ पे इसने कुकर दिया है और यहाँ क्या दे दिया, रेडियो, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, ए रेडियो कॉस्ट रुपीज 856, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 28 रेडियोज, तो बताइए 28 रेडियोज की कीमत कितनी होगी। सेम वैसे के वैसे ही है, वैसे ही लिखेंगे, ये रेडियो कॉस्ट 856 रुपीज, तो 28 रेडियो की कितनी होगी, ज्यादा। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन को भी आप खुद करोगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 28 मैंगोज इन अ बास्केट, बास्केट मीन्स क्या होता है, टोकरी, एक टोकरी में 28 मैंगोज हैं, हाउ मैनी मैंगोज विल बी देयर इन 125 बास्केट, तो बताइए 125 बास्केट में कितने मैंगोज होंगे। भाई
एक बास्केट में 28 मैंगोज कह रहा है और 125 बास्केट में मैंगो पूछे हैं। समझ में आ गया? अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूं, जैसे आपके पास एक बास्केट है, एक बास्केट ही है, ठीक है, उस बास्केट में आपने 3 मैंगो रखे हैं, ठीक है, ऐसे ही आपके पास 5 बास्केट हैं, तो बताइए उसमें कितने मैंगो होंगे। भाई एक में जब 3 मैंगो हैं तो 5 में ज्यादा होंगे या कम? ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, लिखेंगे वन बास्केट हैज, एक बास्केट में है 28 मैंगोज, तो 125 बास्केट में कितने होंगे? ज्यादा। और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इसको भी मल्टीप्लाई आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मयंक हैज, मयंक के पास 36 एनवलप्स ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स, मींस मयंक के पास पुरानी टिकटों के स्टैम्प्स, मतलब होता है टिकट, मयंक के पास पुरानी टिकट के 36 एनवलप्स हैं, ठीक है, एनवलप जानते हो ना, लिफाफा। ईच एनवलप, प्रत्येक एनवलप कंटेन 65 स्टैम्प्स, प्रत्येक एनवलप में 65 स्टैम्प्स हैं। हाउ मेनी स्टैम्प्स डज ही हैव, तो बताइए उसके पास कितने स्टैम्प्स हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, अभी पहले के जैसे ही ये सारे क्वेश्चन। ये ईच एनवलप स्टैम्प्स, पहले लिखेंगे एक स्टैम्प, एक एनवलप में कितने स्टैम्प्स हैं? 65 स्टैम्प्स, तो बताइए 36 एनवलप्स में कितने होंगे? ज्यादा। और ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसे भी आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज रुपीज 950 पर मंथ। पर मंथ मीन्स क्या होता है? हर महीने, ठीक है, एक महीने की, मीन्स हर महीने जो सैलरी है उसकी कितनी है एक वर्कर की? 950 रुपीज है। हाउ मच विल ही हर इन वन ईयर, तो बताइए वे एक साल में कितने कमाएगा? भाई एक महीने की उसकी, पर मंथ मतलब कि हर महीने, हर महीने वे 950 रुपीज कमाता है, ठीक है, तो बताइए एक साल में वो कितना कमाएगा। तो सबसे पहले वन ईयर में हमारे मंथ कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, तो हमें वन ईयर में कितने मंथ होते हैं हमारे? 12 मंथ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वन मंथ में वो कितने कमाता है? 950 रुपीज, तो 12 मंथ में कितने कमाएगा? ज्यादा। और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। देखिए द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज रुपीज इज 950 रुपीज, ही अर्न इन वन ईयर, वह एक साल में कमाता है, ज्यादा कमाएगा, तो 950 मल्टीप्लाई 12, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी मल्टीप्लाई आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर आर 225 रोज प्लांट इन अ गार्डन, कहता है कि एक गार्डन में 225 रोज के प्लांट हैं, ठीक है, ईच, फिर ईच आ गया, मींस प्रत्येक प्लांट हैज 12 फ्लावर्स, प्रत्येक प्लांट में 12 फ्लावर हैं, हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल, तो बताइए कितने फ्लावर होंगे। भाई क्या कह रहा है, दोबारा से बताती हूँ, एक गार्डन में 225 रोज के प्लांट हैं, प्लांट लगे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, पौधे होते हैं ना जो हमारे, ऐसे करके पौधे हैं वो कितने हैं? 225। ओके स्टूडेंट्स, अब कहता है कि प्रत्येक मींस एक, हरेक में कितने फ्लावर हैं? 12 फ्लावर हैं, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें 12, ठीक है, ऐसे ही 225 प्लांट्स में 12 फ्लावर हैं, तो बताइए कितने फ्लावर होंगे। समझ आ गया बेटा? क्या है मींस, भाई 225 तो रोज के प्लांट दे रखे हैं और प्रत्येक प्लांट में 12 फ्लावर दे रखे हैं, ठीक है, हमसे फ्लावर की संख्या पूछी है, तो फ्लावर की संख्या ज्यादा ही होगी। कैसे लिखेंगे इसको? ईच प्लांट हैज, प्रत्येक प्लांट में कितने हैं? 12 फ्लावर्स हैं, तो कितने प्लांट्स में पूछे इसने? 225 प्लांट्स में कितने होंगे? ज्यादा। और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। देखिए सबसे पहले 2 से 5 को करेंगे, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4, नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, इसको ऐड कर देंगे 0, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 एंड 2, तो बताइए
कितने फ्लावर्स हो गए हमारे टोटल? 2700, सॉरी 2700 फ्लावर्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.